नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीरियल न्यूज़ चैनल पर। आज मैं आपको बताऊंगी पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना फ़ायदेमंद है, कई बैंकों से बेहतरीन सुविधा मिलती है, यहां पर ब्याज दर में भी इजाफा हो गया है, जानिए कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कई तरह से बैंक में पोस्ट ऑफिस में बचत खाता खोलना फ़ायदेमंद है। अगर किसी व्यक्ति का पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है और एक वित्त वर्ष में उसके खाते में 3500 रुपये तक ब्याज आता है तो इस पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर ज्वाइंट खाता है तो इस पर अधिकतम 7000 रुपये के ब्याज पर टैक्स नहीं लगेगा। आमतौर पर बैंक में कम ब्याज मिलता है, इसके मुकाबले पोस्ट ऑफिस बचत खाते पर ब्याज भी अधिक मिलता है और टैक्स में भी छूट प्राप्त होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो बचत खाते पर 2.7% की दर से ब्याज मिलता है, लेकिन पोस्ट ऑफिस में 4% का ब्याज मिलता है। इस प्रकार पोस्ट ऑफिस में बची हुई ब्याज आय पर सेक्शन 80C 80TTB के तहत 10,000 से 50,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। पोस्ट ऑफिस में न्यूनतम 500 रुपये जमा कर बचत खाता खोला जा सकता है। पोस्ट ऑफिस में बचत खाते पर महीने के आखिर में या महीने के 10 तारीख को न्यूनतम बैलेंस जोड़ा जाता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स अकाउंट होने पर करदाता एक ही वित्त वर्ष में सेक्शन और सेक्शन 80TTT दोनों का टैक्स बेनिफिट हासिल कर सकता है। ब्याज दर में परिवर्तन नहीं होगा। छोटे निवेशकों के लिए पोस्ट ऑफिस फ़ायदेमंद का सौदा है। आमतौर पर यहाँ ब्याज दर ज़्यादा मिलता है और बचत खाते के साथ साथ जमा खाते पर भी लाभ मिलता है। स्मॉल सेविंग्स में बचत खाते की समीक्षा तिमाही आधार पर की जाती है। जुलाई से सितंबर के बीच तिमाही पर सरकार ने स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज की दर में किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया। अगर आप जानना चाहते हैं पैसे से जुड़ी हर एक जानकारी कि कहाँ आपको कितना पैसा जमा करने पर कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा या कौन सी ऐसी सरकारी स्कीम है जिसमें आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो जानने के लिए जुड़े रहिए बी रियल न्यूज़ चैनल से।